Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 12 के फिजिक्स से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ इट्स इक्वाटोरियल यानी छल चुंबक के कारण इसके अक्षीय रेखा पर चुंबक के क्षेत्र का मान कितना होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि एक छल चुंबक के कारण इसके अक्षीय रेखा पर चुंबक के क्षेत्र का मान कितना होगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी दे सकते हैं। अब ये तो दो टॉपिक है, अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर छल चुंबक के कारण चुंबक के क्षेत्र, इसमें से एक टॉपिक आप कन्फर्म रखें, पांच नंबर का भी आप पूछेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखिए शुरू करेंगे छल चुंबक के कारण इसके निरक्षीय रेखा पर चुंबक के क्षेत्र का मान कितना होता है। अब यहाँ पर ध्यान देखो, कंडीशन दिया हुआ है एक छल चुंबक लेना है और इस छल चुंबक के कारण निरक्षीय रेखा पर चुंबक के क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो लेते हैं एक छल चुंबक, पहले बार मैग्नेट आते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये एक बार मैग्नेट है और इसके दो ध्रुव होंगे ईयर और यस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये छल चुंबक लेंगे इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूज होगा और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप लोगों को बताया गया होगा यंग गुणा टू यंग, और ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ये एक सदिश राशि, अगर ये सदिश राशि है तो इसका कोई दिशा नहीं होगा और इसका दिशा बता दे साउथ टू नॉर्थ। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो दो कोण हम लोग बनाएंगे छल चुंबक का वो यस टू ईयर बनाना है, यस टू ईयर। तो ये छल चुंबक है, इसका यन कोण है, इसका यस कोण है और इसका चुंबक की लंबाई कितना होता है, टू ईयर होता है। मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु को है, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का साउथ टू नॉर्थ। अब ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को से अगर हम एक लंबवत रेखा इस प्रकार से खींचे तो ये जो पूरा लाइन है यही लाइन कहलाएगा निरक्षीय रेखा इक्वाटोरियल लाइन, और इसी रेखा पर हम लोग को कहीं पर जिससे मान लीजिए यहाँ एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर हम लोग को निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। कहाँ पर निकालना है, एक छल चुंबक के कारण इसके निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु P, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र एक छल चुंबक के कारण निकलता है उसका फॉर्मूला आपको बताया गया होगा B इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई m बटा r का स्क्वायर। देखिए B इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई m बटा r स्क्वायर, ये छल चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। स्मॉल m यहां भी आप देख रहे होंगे, यहां भी स्मॉल m जो है चुंबकीय ध्रुवीय परावर्तन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं कि इसका दिशा यन टू यस और इसका दिशा यस टू यन, दोनों अलग अलग। यानी हम अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो यन से कैसा होगा, यस की ओर, यन से बाहर निकलता होगा और यस में ही निकलता। देखिए अगर आप एक बार मैग्नेट बनाइएगा ये यन और यस है तो यन से निकलेगा यस में प्रवेश करेगा, इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम इसको इसे डिफाइन कर सकते हैं कि यन से निकलेगा और यस में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र के। अब यहाँ पर देखिए अगर यन कोण का मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे पी बिंदु पर तो क्या होगा, यन से निकलेगा, तो यन से निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक बनाइए यहाँ पे पी बिंदु, ये देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पी बिंदु था यहाँ पे बन जाएगा पी फील्ड किसके कारण, यन कोण के कारण, और यस कोण में कैसा होगा तो यस कोण में होगा एन का। देखिए यन से निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड और यस में इन करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाइएगा और इसका डायरेक्शन जो है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, देखिए ये अंदर की ओर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन गया बी वेक्टर यस के कारण, और ये मान को ऐसे ही समझ लीजिए इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए हम यहाँ पे एंगल थीटा ले लेते हैं, दोनों तरफ थीटा। अभी देखेंगे, अब देखिए अभी आपको बता रहे थे कि b इक्वल टू क्या होता है म्यू नोट बटा 4 पाई m बटा r स्क्वायर, मतलब
अभी अगर हम यंग पोल के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हमको दूरी चाहिए कहाँ से कहाँ, पी से एन। और अगर हम यस पोल के कारण निकालेंगे तो दूरी चाहिए पी से एन। अब पी से एन और पी से एन हम लोग पहले ही निकालते हैं। देखिए चूंकि आप त्रिभुज देखिए ओ पी और एन, तो पी ओ एन। अब देखिए इसको थीटा मान लिए तो थीटा के सामने ये क्या बन गया लंब, ये समकोण है, समकोण के सामने ये कर्ण। अब देखिए थीटा है, ये लंब है, ये कर्ण है, और यहां से यहां समझिएगा अगर पूरा लेंथ 2L है तो यहां से यहां लेंथ कितना हो जाएगा L। तो हमको देखिए यहां से यहां का दूरी L मालूम है, हमको ये वाला दूरी निकालना है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान रखेंगे तो वो दूरी चाहिए। अब लंब कर्ण आधार, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा एक बात देख लीजिए, O से P की दूरी मान लीजिए कि R। अब R भी दिया हुआ है लेकिन लंब भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, इसको निकालना पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से P से N इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर चोस आधार का स्क्वायर। इसी तरह इधर का त्रिभुज आप देखिए ओ पी एस, इसमें भी देखिए थीटा के सामने ये क्या आ जाएगा लंब, ये आधार, तो ये कर्ण निकाल लेंगे पी से एस, तो पी से एस कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर जो आधार। देखिए अगर इधर यल है इधर भी कितना होगा यल, चूंकि यल और यल टू यल टोटल लंबाई टू यल है तो यल स्क्वायर। अब इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PN और PS दोनों क्या हो गया बराबर, और दोनों बराबर मान कितना आ चुका है R स्क्वायर प्लस PN। ठीक है, अच्छा इसको और आगे का स्टेप बढ़ा लीजिए, PL स्क्वायर PS स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बदल जाएगा, तो ये दोनों चीज पहले से ही निकाल करके डाल दिया यहाँ पर काम। अब ध्यान दीजिएगा देखिए इस B बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो एक BS और एक B दोनों के कारण मान निकाल लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे चूंकि N पोल के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा N पोल के कारण बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B वेक्टर N, और उनका कितना होता है बेसिक फॉर्मूला म्यू नॉट बटा 4 पाई N बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी कहां से कहां लेंगे P से N, तो PN का स्क्वायर, तथा इसकी दिशा भी आप यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि सदिश राशि है वेक्टर लगा हुआ है, तथा इसकी दिशा देखिए दिशा किधर है ये P से, अगर दिशा दिखलाना है तो यहां पर चले कोई बिंदु मान लीजिए सीधा, तो P से C की ओर PC वेक्टर की ओर। देखिए समझिएगा ये C केवल डायरेक्शन के लिए दिया और कुछ नहीं, ठीक है। और देखिए B वेक्टर N इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई M बटा P से N स्क्वायर, देखिए P से N स्क्वायर निकाला हुआ है R स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एक चीज और, अगर हम इस BN वेक्टर को दो पार्ट में तोड़े कैसे तोड़ेंगे उसको समझिए, शुरू से आइए P बिंदु पर कितने मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं दो, एको PN और एको PS, एक N पोल के कारण और एक S पोल के कारण, और एक ही बिंदु पर समझिएगा एक ही बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र इधर एक चुंबकीय क्षेत्र इधर दोनों एक ही बिंदु पर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड को उनको जोड़ना पड़ेगा, और जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे तो जोड़ने के किस नियम का उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे समानांतर चतुर्भुज नियम। देखो जब दो सदिश एक ही बिंदु से निकलेगा तो दोनों सदिश को जोड़ने के लिए हम चतुर्भुज नियम का नियम योग लगाएंगे, और अगर एक सदिश ऐसा रहेगा और एक सदिश ऐसा रहेगा तो हम किस विधि से जोड़ेंगे त्रिभुज विधि से, सदिश को जोड़ने का दो विधि आप क्लास लेवल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए अगर हम इसको समानांतर चतुर्भुज से जोड़ेंगे तो यहाँ से एक विकर्ण निकाल सकते हैं, ये विकर्ण और ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। अब ध्यान दीजिएगा
ये बीकर खींचने का जो क्यों पड़ा, क्योंकि अगर समानांतर चतुर्भुज में दो सदिशों को जोड़ेंगे तो उसका परिणाम ही कहां से निकलेगा, बीकर। इसलिए हम लोग यहां पे बीकर लेंगे। तो ये तो बीकर आया, यही देगा परिणामी चुंबकीय चलन की, यहां पर चुंबकीय चलन होगा उसका दिशा इस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरफ। अब क्या दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा देखिए, तो ये लाइन ओ से यस और ये लाइन पी से यहाँ समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो अगर ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी ये बना भी थीटा हो जाए, और अगर ये थीटा हो गया जिसके संगत कोण ये भी थीटा हो जाए। अब यहाँ पर आइए मेन मीटर, यहाँ पर आप पी मीटर यंग को देखिए, चलिए इधर मीटर नाम दीजिए, चलिए इधर नाम देते हैं टी देते हैं। तो देखिएगा ये डायग्राम आधा हम लोग बनाते हैं, ऊपर डी है, यहाँ पे पी है और इधर से गया है परिणामी आर, और यहाँ बीच देखिए जो गुरु लाइन आप देख रहे हैं ये बी एंगल यल निकला है और ये यहाँ पे बना रहा है थीटा। अब देखिए हम चुंबकीय क्षेत्र बी एंगल यल को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, दो बार। जिधर थीटा होता है उधर क्या लेते हैं परिमाण के साथ और थीटा, दूसरे तरफ साइन परिमाण के साथ, इसी प्रकार से कर देंगे लिखेंगे। चूंकि बी एंगल यल को तो भागों में नियोजित करने पर, तो दो भाग में नियोजित करते हैं तो क्या क्या मिलता है, नंबर एक बी एन कॉस थीटा और दूसरा क्या मिलता है बी एन साइन थीटा। बी एन कॉस थीटा का दिशा देखिए पी से आर वेक्टर की ओर और बी एन साइन थीटा पी से डी वेक्टर की ओर। अब ध्यान दीजिएगा ये तो एक्स्ट्रा चीज आ रहा है आर डी सी वो सब केवल दिशा के लिए, ठीक है। अब इसी तरह अब निकालिए यस पोल के कारण, तो यस पोल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के लिए किसका पोल है यस पोल है, और बेसिक फॉर्मूला म्यू नोट बटा फोर पाई स्मॉल यम बटा दूरी का स्पर। अब दूरी कहां से लिखेगा यस से पी का दूरी, यस से पी यानी कि पी एस और दूरी का क्या होता है स्पर, और जोड़िएगा तो बी वेक्टर यस इक्वल टू म्यू नोट बटा फोर पाई यम बटा पी एस स्क्वायर, दे कितना है आर स्क्वायर प्लस यर स्क्वायर। सदिश राशि है इसका भी अगर दिशा दिखलाइएगा दिखला दीजिए, तथा इसकी दिशा किधर है भाई दिशा देखो तो पी से यस की ओर, चूंकि ये यस में इन करेगा तो हो जाएगा दिशा पी यस वेक्टर की ओर। आप देखिए ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से बी एल वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र सा इसको हम दो भाग में तोड़े हैं, तो बी एस वेक्टर भी चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसको भी हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए यहाँ पर देखिएगा ये बी बिंदु है, ठीक, उसके बाद इधर से गया है आर और नीचे देखिए ये इधर भी दिशा के लिए केवल लेने चलो कुछ बिंदु ई डाल यहाँ पर, तो नीचे एक आया है ई, और देखिए ये आर ये ई और बीच से देखिए ये लाल बनाम का लिखना हुआ है पी वेक्टर यस, और यहाँ पे देखिए ये थीटा कोण बना रहा है। अब बी वेक्टर यस को भी हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे इधर थीटा है उधर क्या लिखिएगा कॉस थीटा और दूसरे तरफ साइन थीटा, तो लिख दीजिए चूंकि पी वेक्टर यस को तो अवयवों में वियोजित करने पर क्या क्या मिलता है, नंबर वन पी एस कॉस थीटा, किधर मिलता है पी एस कॉस थीटा पी से आर की, और दूसरा बी एस साइन थीटा किधर मिल रहा है पी पी वेक्टर की। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग क्या देखेंगे एक दो तीन चार पी बिंदु पर चार चार मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है या उसका कंपोनेंट यानी कि अभी हम कह सकते देखिए यहां से पी आर में देखिएगा तो बी एन के लिए पी एन कॉस थीटा और इधर से बी एन के लिए बी एस के लिए बी एस कॉस थीटा, फिर ऊपर में कौन सा काम कर रहा है पी डी में पी एन साइन थीटा और इधर काज कर रहा है पी से ई में पी एस साइन थीटा।
यस साइन है इस प्रकार से। अब चूंकि यहाँ पर देखिएगा, चूंकि बी वेक्टर एन का मोड यानी परिमाण केवल दिशा छोड़ दीजिएगा बराबर बी वेक्टर एस और बराबर कितना देखो बी वेक्टर यानी एन कोण के कारण बी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र का परिमाण, यस कोण के कारण बी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र का परिमाण। देखिए ये की ये वाला मान देखिएगा और ये की ये वाला मान दोनों बराबर है तो म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि दोनों का मान बराबर है देखो ये वाला बी एन ये वाला बी एस ये वाला साइन ये वाला साइन बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देगा कैंसिल यानी काम नहीं करेगा और अगर ये काम नहीं करेगा तो परिणामी चुंबक के क्षेत्र लगेगा पी आर वेक्टर की ओर उधर ही निकालना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि पी बिंदु पर बी एस साइन थीटा तथा बी एस को बी एन है बी एन साइन थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है अतः ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो पी बिंदु पर किधर होगा पी से आर वेक्टर की दिशा में तो पी आर वेक्टर की दिशा में अब कितना होगा तो परिणामी चुंबक के क्षेत्र को देखिए हम लोग बी वेक्टर माने हैं तो बी इक्वल टू कितना काम कर रहा है देखिए बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा क्योंकि दोनों तो एक ही दिशा में काट कर रहा है दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा जुट जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मान रख दीजिए तो बी इक्वल टू देखो बी एन और बी एस दोनों बराबर है तो देखो अगर हम इसको बदल देते हैं बी एस तो बी एस और बी एस हो जाएगा तो बी एस और फिर कॉस थीटा तो है ही। और देखिए P इक्वल टू यहाँ पर लिखिएगा क्योंकि मोड ऑफ बी एन इक्वल टू क्या है मोड ऑफ बी एस देखो बराबर तो बी एस बी एस का मान कितना है रख लीजिए यहाँ से म्यू नोट बटा 4 पाई एम बटा आर स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर ये हो गया 2 ये हो गया बी एस इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ से कॉस थीटा को निकालते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए ये थीटा के सामने हो गया लंब ये है आधार और ये है कर्ण तो आधार कितना है देखिए यन और कर्ण कितना है पी से यन और पी से यन देखिए यहाँ पे लिखना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। और देखिए पी इक्वल टू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे म्यू नोट बटा 4 पाई एक कॉन्स्टेंट है आपको देखिए वीडियो के शुरू में ही बता रहे थे कि ये देखिए यम गुना 2 गुना यन तो यम गुना 2 यन होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल यम तो ये तीनों एक ही साथ कैपिटल यम में आ गया बटा कितना बचा देखिए आर स्क्वायर डी एल स्क्वायर आर स्क्वायर डी एल स्क्वायर गुना में है पावर चुकेगा इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा और रूट का पावर होता है हाफ कितना होता है तो 1 प्लस हाफ करेंगे कितना होगा 3 बटा 2 तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3 बटा 2 ये आ गया छड़ चुंबक के कारण इसके निरक्षीय रेखा यहाँ पे पी बिंदु के चुंबक के क्षेत्र का इसको और आगे आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये चुंबक का रेंद बहुत छोटा तो छोटे छड़ चुंबक के लिए आप क्या कर सकते हैं छोटे छड़ चुंबक के लिए देखिए अगर ये छड़ चुंबक बहुत छोटा हो जाए तो इसका मतलब है कि यर का लंबाई तो बहुत कम हो जाएगा और आर का जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा यानी कि आर ग्रेटर ग्रेटर देन यर। देखिए अगर छड़ चुंबक छोटा हो गया तो ये आर का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा और यर का लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा तो आर स्क्वायर की तुलना में यर स्क्वायर को नगण्य
माना जा सकता है। ठीक है, लगाने मतलब क्या, नेगली। अब ध्यान दीजिएगा छोटू, v इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई m बटा, ध्यान दीजिएगा r के सामने कौन निगेट हो गया है, r स्क्वायर को नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r स्क्वायर और पावर कितना होगा 3/2। इसीलिए v इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई m बटा, देखिए पावर का पावर होता है गुना, पावर का पावर गुना, तो 2 गुना 3/2 करिए तो कितना बचेगा 3, तो r पे पावर कितना बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए,